आईसीसी के एफटीपी में आईपीएल को मिली ढाई महीने की विंडो तो पाकिस्तान ने कर दी शिकायत। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। आईसीसी ने अपने फ्यूचर टूर प्रोग्राम में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल को ढाई महीने की अलग विंडो दी है और इससे हमारा पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान काफी चिढ़ा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और अब पाकिस्तान ने इसकी शिकायत भी कर दी है। इसका एक कारण ये भी है कि पाकिस्तान सुपर लीग को आईसीसी की एफटीपी में कोई जगह नहीं मिली है, जिससे पाकिस्तान को इससे परेशानी हो रही है। अब इसी बीच आपको बता दें कि अब अगला सीजन यानी कि साल 2023 का आईपीएल सीजन दो नहीं बल्कि ढाई महीने तक खेला जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान काफी चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आईसीसी के द्वारा साल 2023 से 27 तक के अपने फ्यूचर टूर प्रोग्राम में आईपीएल को ढाई महीने की अलग विंडो दी गई है, लेकिन पाकिस्तान इस बात से पूरी तरह से चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब इसको लेकर आईसीसी में शिकायत भी कर दी है। पीसीबी ने हालांकि सुझावी लहजे में ही आईसीसी से इसकी शिकायत करते हुए बोला है कि टी20 लीग्स में काफी इजाफा हो रहा है, जिसका असर सीधे तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट और फ्यूचर टूर प्रोग्राम पर पड़ने वाला है। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेट पर टी20 लीग के बढ़ते प्रभाव का मूल्यांकन होना जरूरी है। इसके लिए एक समिति का गठन भी होना चाहिए जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करे। आपको बता दें कि अब मार्च से लेकर जून तक ढाई महीने आईपीएल खेला जाएगा। बर्मिंघम में 25 और 26 जुलाई को आईसीसी की एनुअल मीटिंग होने वाली है। इसी दौरान एफटीपी का औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। फिलहाल ESPN क्रिकेट इन्फो ने ये दावा किया है कि उन्हें एफटीपी का एक ड्राफ्ट मिला है, जिसके हवाले से उसने ये जानकारी दी है। इसी ड्राफ्ट में ये बताया गया है कि आईसीसी के अगले एफटीपी में आईपीएल के लिए अलग से ढाई महीने की विंडो होगी। पाकिस्तान के अलावा भी दो और क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं जिन्होंने इस पर चिंता जाहिर की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO फैजल हसनैन ने कहा है कि दुनिया भर में ढेरों घरेलू क्रिकेट लीग्स इस समय खेली जा रही हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट को साफ तौर पर प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में इस पर चर्चा करके कोई रणनीति बनानी जरूरी है। हमने इसको लेकर आईसीसी को पत्र भी लिखा है, उन्होंने भी इस पर गौर करते हुए एनुअल मीटिंग में इसे चर्चा के लिए शामिल कर लिया है। पीसीबी ने हालांकि ये भी दावा किया कि पाकिस्तान के अलावा दो और क्रिकेट बोर्ड्स ने इसका विरोध किया है। यहां पर अगले एफटीपी को देखते हुए खुशखबरी पाकिस्तान के लिए भी है, क्योंकि 26 साल के बाद पाकिस्तान को आईसीसी के किसी टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सरजमी पर फरवरी मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल की गई है। इससे पहले पाकिस्तान में साल 1996 में संयुक्त रूप से विश्व कप आयोजित हुआ था। खैर, पाकिस्तान के आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में आईपीएल को शामिल करने को लेकर ये जो रवैया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बाकी की अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।